क्या देख रहा है? ये बुक देना मेरे को। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। 50 रुपया दूंगा तेरे को बुक के लिए। सौ रुपए। इधर लो। देश की सेवा करेगा, 100 रुपए में तो बिक गया। अंकल अंकल मेरी भी ले लीजिए ना। अरे आपकी कोट का है? मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने उतार दिया। और ये किताब? सोच रहे पढ़ लिख के देश की सेवा करें। हाय। अच्छा सुनिए, आपने कहा था ना आप मेरे लिए गिफ्ट लाएं, ठीक है ना? उंगली। बड़ी अच्छी लग रही तुम्हारी उंगली। बहुत प्यारी है। कितनी प्यारी। बुरा रही। वंस मोर गाड़ी रोक दे यार, बड़ी खूबसूरत। मारो। अरे सत्यानाशी भगोड़े, तू का लेने आए यहाँ? माँ जी मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा आपको बात कर लेना। पूरे 150 दो महीने और 21 दिन तुम्हारा पति लापता था और तुम यहां पे ऐश कर रही हो। एक बार भी हमें खोजने की कोशिश की? हम कहां हैं, जिंदा है या मर गए, ये सोचा? क्यों पहुंच नहीं पाई तुम हमारे अस्पताल तक? अस्पताल? हाँ, हमारा एक्सीडेंट हो गया था। बच्चे की खबर सुनकर हम इतने खुश हो गए कि बस तुम्हारे पास आना चाहते थे। हमने तुम्हारे लिए एक अंगूठी ली थी। पारो। पैसे लौटा देंगे यार तुम्हारे। पैसे? हमने पैसे कब मांगे? नहीं, नाम तक तो याद नहीं है आपको, भूल गए ना अपनी चांदनी को? अच्छा, मैंने तो पारो इसलिए कहा क्योंकि मैं देवदास, तुम पारो। अच्छा। मैं कैसे भूल सकता हूँ अपनी चांदनी को? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुमको पता है? किसी को नहीं छोड़ा मैंने, हर शहर, चलो ना, हर गली, हर साइट, हर ऐप, पूरा इंटरनेट छान मारा मैंने। तुम फेसबुक पे क्यों नहीं हो? हूँ ना। सच्ची? फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी? आपको कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट की जरूरत है क्या? इंस्टाग्राम पे फॉलो करें? कर दीजिए बोला जी। ट्विटर? कर दीजिए बोला जी। स्नैपचैट? कर दीजिए। टिंडर? कर दीजिए। फ्लिपकार्ट? कर दीजिए। बिग बाजार? कर दीजिए। ओएलएक्स? कर दीजिए। मेक माय ट्रिप? कर दीजिए। मेक माय ट्रिप? कर दीजिए। मेक माय ट्रिप? कर दीजिए। क्या चल रहा है? अबे कौन है तू? पति हूँ इसका। सॉरी, इन्होंने बताया नहीं वरना मैं तो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने गैर मर्द को देखने की? और गैर मर्द मुझे नाचते हुए देखे वो ठीक है? ये पहना के नचवाते हैं वो मुझे। छी छी छी, चांदनी को अपने बार में नचवाते हो, छी, चीप। अरे तुम देख क्या रहे हो, पकड़ो इन्हें। अरे एक मिनट। अरे भाई साहब किस खुशी में हैं? अबे कौन हो तुम? ये हमारे वकील हैं, बहुत बड़े लायर। सात श्री अकाल जी।
हाँ अब बताओ किस खुशी में भाई, किस केस में? एडल्टरी के केस में, दफा 497। ओ भाई हवलदार, तुझे इतना नहीं मालूम 497 सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिए, समझा नहीं? अंडर सेक्शन ABC भाई साहब सुनिए, एडल्ट्री जो अब क्राइम नहीं है, अगर दोनों की मर्जी हो तो। मेरी मर्जी थी। वाह, इन्होंने नहीं, मैंने इनको छुआ। जीती रहो बेटी, वाह वाह वाह। गहने की दुकान में पता करता हूँ मैं, शायद यहाँ आई हूँ। अब कर लो यार। भोला, भोला जी, भोला जी। हाँ आस्ता बोलो। इस वक्त कहाँ पर हो? सरकारी दफ्तर में। तुम कहाँ हो? वो कल करवा चौथ है ना, उसके लिए शॉपिंग करने निकली हूँ। ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? ओ ओके, बाय बाय। तो ये है तुम्हारा सरकारी दफ्तर? क्या कर रहे हो यहाँ? अरे चुप क्यों हो, कुछ तो बताओ। मैंने कहा था यहाँ नहीं आने को, यही मार्केट मेला था, पकड़े गए ना हम लोग। चुप करो, क्या कर रहे हो यहाँ? रंगे हाथों पकड़े गए तो सच तो बोलना ही पड़ेगा, कल करवा चौथ है ना, इसीलिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लेने गए थे। खैर अब सरप्राइज तो रहा नहीं। एनीवे ये मुरारी जी, ये हमारे पार्टनर। नमस्ते नमिता जी। आपका नाम नमिता होता तो कितना अच्छा होता ना, बहुत सूट करता आपको। तुम नामों में बहुत गलतियां करते हो, अभी तुम जिस इन्हें जब भी मिलोगे भाभी बोलिएगा। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते नमस्ते। अच्छा सुनो ये सब छोड़ो, वो सरप्राइज क्या है? हाँ ये अंगूठी तुम्हारे लिए, अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। तुम बहुत डाइटिंग करोगी, तो बहुत ढीली है, देखो कितनी पतली हो गई उंगलियां। इसकी मैं सही तरह से फिटिंग करा के कल ले आऊंगा, ठीक है? अब हम जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम है ना। कल आओगे ना? जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और तुम हमारे लिए वो बना के रखना। क्या? वही जो हमें बहुत पसंद है। क्या मूड? आगे हो जाइए ना, इससे कैसे कर ली? खुद को देखा है कभी? वो सब चौकन्ने रहो, ठीक है? अरे मुरारी भैया, ये दूल्हे राजा बीच में उठ के कहाँ चल दिए? अरे गए होंगे पंडित जी हल्के होने, ऐसे वक्त में प्रेशर बढ़ जाता है ना, आपके मंत्र खत्म हो गए क्या? जी नहीं। तो भैया हमारा प्रेशर काहे बढ़ा रहे हो, पढ़ो ना मंत्र यार। बाबा तीतम त्रिगुण रहित भूला को, कौन बात का इंतजार है? इंतजार था बादशाह की 12 रानियों के आने का, आ गई ना सबकी सब। बुला के लाओ साले को, अब घोलते हैं तरफ का इक्का। क्या बात है? तो क्या क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, वो आ रहे हैं, आपके भोला जी अभी आ रहे हैं। झूठ मत कहिए। आपको सच सुनना है? तो सच ये पाल जी कि आपके भोला जी घर से चंपत हो गए? झूठ कह रहे हैं आप। ये
अच्छा है भाई, आपको सच भी सुनना है लेकिन सच मानना नहीं है। जाओ जाके पकड़ो उसे। आंसू पोछ दीजिए पाल जी, देखिए कौन आया है। कहाँ नहीं ढूंढा आपको, कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं। कहाँ चले गए थे आप हमें अकेला छोड़कर? तुम्हारे पतियों की बारात जुटाने के लिए गया था। आधा दर्जन मिले इतने ही है या हमें इतने मिले? इससे तो अच्छा होता कि तुम मर ही गए होते। पर मरते कैसे, एक्सीडेंट रख ली था। बिल्कुल आपकी तरह पाल जी, बड़े सारे केसेस हैं आपके ऊपर। 6 शादियां, 6 घरों में डाका, पुलिस 8 महीने से ढूंढ रही है आपको। बड़ी मुश्किल से हाथ में आई आप। 6-6 पति, 6-6 पति है तेरे, शर्म नहीं है तुझे? अरे भोला जी आ गए, भोला जी आ गए। पर भैया इतना गरम काहे हो रहे हो, तुम्हारी भी तो 12-12 बीवियां आई हुई हैं तुम्हारे स्वागत के लिए। मिलिए। बीवियां? जी हाँ पाल जी, इनसे मिलिए, ये आप ही की प्रजाति के। और तू क्या हंस रहे? पार्टनर हो ना तुम दोनों, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। चट्टे बट्टे कुछ नहीं है, समझ गई? मेरा नाम है ML84, मैं हूँ प्राइवेट डिटेक्टिव। आपके पति लेके आए थे आपकी जासूसी करने के लिए, समझ में आई बात? मुझे मालूम था साले तू धोखा दे रहा है मुझे। ये शक मुझे तब हुआ था जब मैंने तेरे मुच्छड़ पुलिस वाले को वो घाट पे देखा था। अबे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरे पीठ पे क्यों छुरा भोंका तूने? छुरा नहीं भोंका, मैं ड्यूटी पे था अपनी, तुम्हारा पीछा करते करते जा रहा था ट्रेन में, तब इनसे मुलाकात हुई, तभी समझ में आ गया था तुम दोनों को एक साथ पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए मिलाया था मैंने तुम दोनों को हॉस्पिटल के अंदर, समझ में आया? अरे अरेस्ट करो यार इसे। बाप का राजा, अरेस्ट करो। तू बैठ यहाँ पे, बात खत्म नहीं हुई हमारी। रिश्तों में ना कमिटमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। ओए तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू कमिटमेंट का सलमान खान है, और नाम देख राणा भोला प्रताप सिंह, जैसे कोई 250 रियासतों का मालिक हो, फ्रॉड साला। तो तू कौन सी कॉर्पोरेट जॉब में? मैंने तुझे इन लोगों की तरह शरीफ समझा था, तू तो मेरी तरह कमीनी निकली। अब इतना सड़ क्यों रहा है, इतनी तकलीफ थी तो वापस क्यों आया? पागल कुत्ते ने काटा था मुझे। कमाल है आजकल कुत्ते भी कमीनों को काटने लगे। कमीनी तो तू है जो मेरे दिल मेरे जज्बात से खेल रही है। और जो तूने हमारे साथ कांड किया वो कांड नहीं था, प्यार था, वो इश्क, समझी? जो तुझको लाइफ में नहीं हो सकता। क्यों इश्क है सिर्फ तेरे घर की बबौती? अरे हमें भी हुआ है प्यार साले तुझसे। चलो गिरफ्तार करो इन्हें। क्या यार मुरारी, कितना बढ़िया रोमांटिक झगड़ा चल रहा था इन दोनों का, मजा आ रहा था सॉलिड वाला, तुमने सब बंद करा दिया। चल बोला, बैठो बैठो सब। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो लड़की को गोली मार दूंगा। अच्छा एक काम कर बोला, तू इसको गोली मार ही दे, क्या ना 6 साल के लिए जेल जाने वाला था, अब तू उम्र कैद के लिए जाएगा। चल मैं गिनता हूं 3 तक, तू गोली मार, 1-2-3 मार। तेरे को मारता हूं साले। मुझे? साले दगाबाज दोस्त को गोली मारेगा तू? दोस्त आस्तीन के सांप। बोला मेरी बात सुन, देख मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बैग ले और भाग जा यहां से। क्या कर रहा है बोला, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चल बोला। अगर प्यार सच्चा है ना तो हम जरूर मिलेंगे, तू जा यहां से, भाग। बोला भाग जाएगी, मैं पता। भाग मुरारी, रुक जा वहां पे। भाग गई ना, अब ये वापस आने वाली नहीं है, मैं पहले समझा। इस
इसमें इतना कोई खुश होने वाली बात नहीं है। बोला देख मेरी बात सुन, बंदूक छोड़ दे यार, देख मेरी बात।